बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्जेशन में. सबसे पहले तो थैंक यू. फाइनली तमन्ना पूरी हो गई आपकी जी. हाँ, तो तमन्ना ही की बात करते हैं. स्टार्ट करते हैं आपके गाने से. जी, आई वुड लव टू सिंग फॉर यू गाइज. तमन्ना है तारे गिन लो, तमन्ना है सारे गिन लो, तमन्ना है तेरे भी क्या फरमा जरा. जब भी गूंजे कोई गाना संग झूमे ये साज के, हद से बढ़ के है दीवाना ये रिदम के अंदाज पे. ओ फिदा हुआ फिदा मेरा दिल डांस पे. ओ बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. अभी मैंने सुन रहा तो देखते थे वो जो लुक आ रहे थे आपके अलग अलग, तो एक हॉलीवुड रॉकस्टार की फील आ रही है. हॉलीवुड रॉकस्टार कोई गाना गा रहा है. हाउ स्वीट, थैंक यू. हां, तो लुक्स की बात करें तो जब आप लिपस्टिक की बात करें, कॉस्ट्यूम की बात करें, तो ये पहली बार आपने इस तरह का कपड़ा वेयर पहना है, लिपस्टिक लगाया है? यस, एज इन वी डू वेयर नाइस क्लोथ्स, बट ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ स्टाइलिंग. और मुझे ऐसे तो मेरे व्यूअर्स ने क्या, मेरे दोस्तों ने भी नहीं देखा है आज तक, तो मैंने खुद ने देखा है बिकॉज आई डू लाइक डूइंग समटाइम्स, बट फॉर माई सेल्फ. बट कभी इतनी फुल ऑन आई हैव नॉट डन इट लाइक दिस. और म्यूजिक वीडियो का तो वही तो अच्छी बात है ना, यू कैन रियली हैव फन इन म्यूजिक वीडियोज, देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस. सो या मेरी टीम को लगा के हम लोग ये करना चाहिए. एंड एक मिनट है. जैकेट फुल स्लीव्स. हाँ, चलो. जी, सो या मैंने खुद को उतना ऐसे देखा नहीं है, बट मेरे दोस्तों ने भी मुझे ऐसे नहीं देखा है, फगर माई पेरेंट्स एंड तो ऑडियंस ने तो नहीं देखा है फॉर श्योर. सो इसलिए वी थॉट दैट इट्स ओके, म्यूजिक वीडियो इज सपोज टू बी फन ऑल्सो, लाइक एंड इट्स अ फन सॉन्ग, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो हमने सोचा चलो करते हैं. एंड देन माई टीम दे ऑल रियली बिलीव्ड आई कैन पुल इट ऑफ. आई हैड नो कॉन्फिडेंस कि आई कुड पुल इट ऑफ. तो हमने फिर किया वो, एंड आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट्स, आई एम हैप्पी. फाइनली फैन, आपके फैन को एक सिंगल आपका गाना मिला है. आई नो. सो व्हाट देयर रिएक्शन इन कमेंट्स, वन ऑफ देम ब्यूटीफुल कमेंट जो आप शेयर करना चाहें हमसे? मैंने अभी तक वैसे पढ़े नहीं है कमेंट्स, टाइम ही नहीं मिला. बट आई थिंक they are really surprised with the look, and they are happy that I they're saying that it's different. Or humne itna kuch kiya bhi nahi, it's amazing graphics and good styling and good different unique, yeah. like thoda different look for hum log. We didn't play safe. Yeah. Hum log usually mere audience mujhe pasand karte ki I look like sweet simple aise rahu, wo to rehti hu main aise, to normal I am like that. बट जब एक म्यूजिक वीडियो करते तो देर इट्स फन टू एक्सपेरिमेंट. और आई थिंक एक्सपेरिमेंट हमारा सही गया क्योंकि वी हैव 90% पीपल हैव लाइक्ड इट. सो आर इंडस्ट्री के सब ने इतना अच्छा सपोर्ट किया, दे आर रियली राइटिंग अमेजिंग मैसेजेस. वरुण ने ट्वीट किया, आई नो रणवीर जय ने ट्वीट किया, एंड देन इट्स वेरी स्वीट टू सी दैट हमारे श्याम कौशल जी, आई रियली एडमायर हिम, आर आर्ट डायरेक्टर, ही इज़ लाइक, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया इस लड़की को तब उस दिन तब जब मिले थे अभी देखो, एंड ही इज सो प्राउड ऑफ यू, दे ऑल आर राइटिंग सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज़ दे नो दैट आई प्रोड्यूस्ड इट ऑल्सो. सो इट्स वेरी वेरी नाइस एंड हम्बलिंग टू या सुजीत दा ने रिट्वीट किया, तो मैंने सुजीत को बोला थैंक यू फॉर रिट्वीटिंग. सो इट्स नाइस दैट दे आर ऑल सपोर्टिंग. ये कितना मानती हैं कि सिंगर के साथ एक लिरिक्स जो राइटर होते हैं, गाना लिखते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगर वो अच्छा नहीं लिखेंगे गाने का मतलब ही तो अच्छे से बाहर नहीं आएगा. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अमिताभ भट्टाचार्य, ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑल्सो, और उसने लिखा मेरे लिए मेरा पहला सिंगल, सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी दैट ही डिड दैट. और आई एम ऑल्सो वेरी लकी टू फाइंड दिस अमेजिंग म्यूजिशियन एंड प्रोड्यूसर कॉल बर्ट फ्रॉम एल ए, जिसने एंड सच अ स्वीट गाय, सच अ हम्बल गाय, उसने बार बार रेक्टिफाई करके मुझे प्रॉपर ट्रैक भेजा, एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब विद इट. सो या सारे एक इंसान का काम नहीं होता है, सब मिलके होता है. वो सबसे ज़्यादा इन्जॉय क्या करती हैं आप, जो सिंगल सॉन्ग निकाला वो या पिक्चर के लिए प्लेबैक सिंगर गाना? एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन चार्म. प्लेबैक सिंगिंग इज़ नॉट द टर्म आई वुड यूज़, बट एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत खुशी मिलती है. बट ये सिंगल का भी वो एक्स्ट्रा एक फन है कि मैं आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टेड
मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, और जो भी बोलना चाहती हूँ ऑडियंस को बोल सकती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे कोई फिल्म के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके वैसा ही बोलना है. सो दैट वे इट्स फन, बट अगेन प्लेबैक सिंगिंग इज़ फन बिकॉज यू आर सिंगिंग हाउ डू आई से, देयर आर सच बिग सॉन्ग्स, इट अल्टीमेटली बिकम्स रियली बिग एंड इट्स फन टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग वेंचर विच इज़ अ मूवी. या रिसेंट कोई बॉलीवुड का ऐसा सॉन्ग जो ज़्यादा पसंद आया हो आपको सुनने के बाद? आई थिंक मुझे अरिजीत का बिन तेरे दिल बहुत पसंद आया. टू लाइंस अच्छे से नहीं आता मुझे. बिन तेरे दिल इतना मुझे याद है. ये मानती है कि फैन की बात जब भी आती है तो जैसे आपका गाना है मोह मोह के धागे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, फिर इस तरह का सिंगर निकालना थोड़ा एक्सेप्ट करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर लोग चाहते हैं कि आपको वही रूप और वही टोन वही जोन में आपको देखें. जी पहले जब मैंने करियर चालू किया था तो ज़रा ज़रा टच मी से किया था, सो लोगों को वही चाहिए था. इंडस्ट्री में मुझे लगा कहा यही गाना चाहिए उसको, ये बहुत अच्छा गाती है, ऐसे सेडक्टिव एंड यू नो ऐसे गाने. बट देन मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू टेल पीपल नो प्लीज़ गिव मी ठुमरी, प्लीज़ गिव मी क्लासिकल, प्लीज़ गिव मी सेमी क्लासिकल, तब जाके सवाल लू हुआ. जब सवाल लू या अगर भाई वो जो भी हुआ उसके बाद लोगों ने मुझे दे गिव मी दिस आइडेंटिटी ऑफ दे लव्ड मी फॉर, सो आई हैव टू जो मैं बिलीव करती हूँ वो मुझे उनको देना है. फिर वो धीरे धीरे आई एम श्योर दे विल गेट यूज टू इट इफ इट इज़ गुड स्टफ. सो क्योंकि वो लोग यूज टाइम, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ सिंगल से मुझे सेफ नहीं खेलना है. वो तो मैं मूवी सॉन्ग्स में हम खेल ही रहे सेफ, वो जो उनको जैसे वो लोग मुझे सुनना चाहते हैं वो गवा रहे वैसे. बट सिंगल्स इज समथिंग जहाँ पर मुझे पता है कि दिए मैं पसंद करती हूँ ऐसे मैं कर सकती हूँ तो वो मैं दूंगी. फिर आई होप के ऑडियंस को धीरे धीरे वो इवन इफ इट इज डाइवर्स वो पसंद आए एंड दे एक्सेप्टेड. सो यू एंजॉयड योर लाइक डांसिंग इन तमन्ना, या या कॉस्ट्यूम द फर्स्ट टाइम यू डिड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सी डांस तो मैं बचपन से ही एंजॉयड, वो कभी मैंने प्रोफेशनली किया नहीं. फ्रंट द कैमरा येस वही मैंने प्रोफेशनली डांस नहीं किया, बट आई हैड बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड, दैट्स अ कॉन्स्टेंट थिंग इन माई लाइफ. तो थ्रू सिंगल्स आई एम गिविंग इट आउट टू पीपल. येस अभी तो ये पूरा डांस भी नहीं, आई वॉज जस्ट मूविंग एंड ग्रूविंग टू द थिंग. कोरियोग्राफी वैसे नहीं किया है हम लोगों ने कुछ भी, बट येस आई एन्जॉयड अ लॉट बिकॉज आई रियली लव डांसिंग, लाइक दैट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट पैशन यू कैन से. गानों की बात करें तो एक गाना ऐसा होता है या एक दो तीन होते हैं जो रात में सोते टाइम सुनते हैं काफ़ी पसंद आता है, वो क्या है आपके लिए? ऐसे मेरे काफ़ी सारे गाने हैं बट रोज सुनती हैं, रोज सुनना पसंद करती हैं. अभी तो नहीं सुनती हूँ क्योंकि अभी पूरे दिन में ही सुनना होता है, तो रात को कोई गाना नहीं चाहिए मुझे, रात को मुझे सोना चाहिए, बस कोशिश वही रहती है. बट आई लाइक एड शीरन्स परफेक्ट, अभी जो नया गाना का वो बहुत पसंद है मुझे. अदरवाइज आई लाइक आओगे जब तुम साजना, राशिद खान साहब के ब्यूटीफुल सॉन्ग. देन आई स्टिल आई लव्ड, ये मुझे अरिजीत से भी ज़्यादा मुझे पसंद है, राहत फ़तेह अली खान साहब वर्जन, दैट इज़ मैं तैनु समझावा कि. दोनों वर्जन भी बहुत अच्छे, क्योंकि गाना बहुत अच्छा, बट मुझे पंजाबी वर्जन ज़्यादा पसंद है. इट मीन्स यू बिलीव इन ओरिजिनलिटी जो नो नॉट एग्जैक्टली, इट्स जस्ट कि वो मुझे पंजाबी वाला वर्जन अच्छा लगता है लिरिक्स वाइज, और वो वाला भी बहुत खूबसूरत है, बट वो राहत जी का गाया हुआ वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद है. एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के बारे में क्या बोलना है, मतलब रिक्रिएशन पसंद है सॉन्ग्स के? इट्स नॉट अ बैड थिंग, जब तक ओरिजिनल गाने से बेटर करेंगे अच्छा है. तो मदर्स डे इज कमिंग, सारे मदर्स को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहे तो वो क्या होगा, कोई एक सॉन्ग? ऐसे माओ के लिए तो बहुत सारे गाने, बट हाँ वो वाला कौन सा है, शंकर जी का क्या खूबसूरत गाना है. उफ मैं तो रो रो के पागल हो जाती हूँ वो गाने में. शंकर जी का क्या गाना उन्होंने बनाया, वो तारे ज़मीन पर का वो तुझे सब है पता है ना माँ. हाँ आई स्टार्ट फ्रॉम द, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ,
तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब मतलब मदर्स डे सेलिब्रेट किया हो बचपन में, कोई एक पल याद है मदर्स डे सेलिब्रेशन का अपनी मॉम के साथ? आई यूज्ड टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे विद देम, नॉट मदर्स डे. ओके, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करती थी. सो लास्टली जाते हैं तो अपने व्यूअर्स को अपनी सॉन्ग के बारे में कहें. ये बहुत ही ओके तमन्ना मेरी दिल की तमन्ना है बेसिकली. इट्स माय फर्स्ट सिंगल और आई ट्राई टू मेक अ फन सॉन्ग और हमने खुद बहुत मज़े किए. आई होप कि यू गाइज इन्जॉय इट. प्लीज़ सुनिएगा गाना और लेट मी नो हाउ यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट. एंड यस, वी हैव वर्क्ड हार्ड एंड आई होप यू गाइज इन्जॉय इट. थैंक यू सो मच. आपकी तमन्ना कोई खत्म ना. थैंक यू.